हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर दूषित जल आपूर्ति को लेकर नोहर विकास मंच की बैनर तले शहर के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि नोहर शहर में लंबे समय से जलदाय विभाग दूषित और बदबूदार जल आपूर्ति कर रहा है। इसके बारे में कई दफा विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ है। नागरिकों का कहना है कि दूषित जल के प्रयोग से शहर में पेट दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या आम बात हो चुकी है। ज्ञापन के अंदर हमने ये पुरजोर मांग की कि जल्दी से जल्दी इस पानी की व्यवस्था को सुधारा जाए, और 7 दिन का टाइम भी दिया। अगर 7 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरती तो उसके बाद हम कोई दोबारा कोई नया एक्शन लेंगे, उस जिसके अंदर धरना वगैरह या कोई और जोरदार प्रदर्शन और के अंदर करेंगे। क्या आश्वासन दिए है एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने बहुत ही दूषित आ रहा है, कुछ जगह गंदला पानी आने की भी शिकायत आ रही है। अगर कहीं पाइपलाइन लीकेज है तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए मैंने निर्देशित किया है कि उसको टाइमली दुरुस्त किया जाए और ताकि गंदा पानी नहीं जाए और सैंपल लेके मुझे रिपोर्ट की जाए। सड़कों में काई भी जमा है, काफ़ी दूषित पानी है। काई के बारे में भी उनको सफाई के लिए मैंने कहा है कि डिग्गी भी सफाई करने के लिए निर्देशित किया है कि जो काई जमी है अच्छे से पानी आको तो प्रॉपर तरीके से उस पानी को सफाई के लिए भी उन्होंने कहा है कि भी हम जल्दी इसकी डिग्गी की सफाई कराएंगे। और पहली प्रायोरिटी ये है कि गंदा पानी घरों में ना पहुँचे तो उसकी सैंपल जाँच आज रिपोर्ट आ जाएंगी और उसमें अगर कोई गलती है तो हम पानी को दुरुस्त करा के सही